तो मैं तब मेरा कुछ स्वागत करता हूँ कि चैनल स्टेज है कि मैं जामा को तो लेते हैं न्यू प्रोडक्ट रिव्यूज के बारे में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ओनर 10 लाइट के बारे में। तो दोस्तों ओनर 10 लाइट क्या आपके लिए खरीदने लायक है कि नहीं है, क्या मेरे इसके ऊपर व्यू है, क्या आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, क्या इसके अंदर कोई उद्यम है या बिल्कुल फ्लैट है। तो दोस्तों इसको जानने के लिए आपको देखेंगे वीडियो अंत तक। अगर आप चैनल पे दोस्तों मेरे न्यू है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो डालो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों चलते हैं। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि ओनर हवाई की एक सबसे मशहूर ब्रांड है। दोस्तों इन्होंने अपने बहुत से फोन लॉन्च करे पिछले साल 2018 में, इतने फोन लॉन्च करे हैं, कितने लॉन्च करे हैं कि यार कंफ्यूज हो गया बंदा कि ये ले या वो ले या कौन सा ले। दोस्तों ओनर ने यही ओनर 10 लाइट का रिव्यू करा है, मैं इसमें बताने वाला ओनर 10 लाइट का रिव्यू है। तो दोस्तों इसमें क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपकी इसकी डिस्प्ले की बात करनी है। इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.21 इंच की डिस्प्ले है और दोस्तों की जो ड्यूड्रॉप नॉच डिस्प्ले है वो काफी अच्छी है और उसके मुकाबले में दोस्तों और डिस्प्ले मुझे कभी अच्छी लगी नहीं है। और अगर दोस्तों इसकी मैं बात करूँ एस्पेक्ट रेशियो की तो 19.5:9 के साथ है एस्पेक्ट रेशियो। दोस्तों इसकी ओनर ने कहा है कि इसकी बॉडी एस्पेक्ट बिल्कुल सेम है, स्क्रीन से ज्यादा है दोस्तों, काफी ठीक ठाक इसमें मिल जाती है। अब मैं इसकी प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें क्रीन का हमें प्रोसेसर मिला है 7.1 जो कि क्लॉक है 2.2 की ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ हमें आता है जो कि काफी अच्छा है डिसेंट अमाउंट में। अब दोस्तों इसकी रैम की बात करूँ जो लोग बहुत देखते हैं तो दोस्तों इसमें 2 रैम की वेरियंट मिलेगी आपको। पहला है 4GB जो 64GB की स्टोरेज के साथ आएगा, दूसरा है 6GB वो भी 64GB की स्टोरेज के साथ आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड डाल के, कोई सा भी अच्छा मेमोरी कार्ड डाल के। और अगर आपको दोस्तों पता नहीं हो मेमोरी कार्ड कैसा लेना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं हाउ टू बाय मेमोरी कार्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो दोनों वेरियंट ले सकते हैं, लेकिन दोनों में आपको 64GB की स्टोरेज ही मिलेगी, उससे ज्यादा आपको स्टोरेज नहीं मिलने वाली। तो क्या है दोस्तों इसमें 64GB की स्टोरेज आपको अच्छी लगेगी कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप इसे चाहें तो बढ़ा सकते हैं अपनी। तो इसमें दोस्तों आगे हम चले तो कैमरे की बात है। कैमरे में तो हमें दोस्तों इसके अंदर आपको 13+2 MP का कैमरा रियर में मिल जाएगा, फ्रंट में आपको 24 MP का कैमरा मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले है और काफी अच्छे साथ में आपको पिक्चर्स क्वालिटी भी मिल जाएगी। इसका अपर्चर भी काफी अच्छा है जिस वजह से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। फुल एचडी जो इसकी डिस्प्ले है वो आपकी इमेज व्यूइंग को भी काफी अच्छा कर देती है। अब दोस्तों इसमें लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा फोन ले कौन सा ना ले, यही प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आपको ये फोन लेना चाहिए, क्या मैं रिकमेंड कर रहा हूँ? तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा यस दोस्तों आप इसे जा सकते हैं। अगर लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार मुझे सेंसर चाहिए, मुझे कैमरे से इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे बैटरी चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, तो आप शाओमी के फोन पे जा सकते हैं। दोस्तों शाओमी के बहुत से हैं, रियलमी है, पोको है, बहुत से हैं दोस्तों, आप उसमें जा सकते हैं शाओमी के फोन पे, वो भी काफी आपको बजट फ्रेंडली फोन है, लेकिन उनके कैमरे इतने अच्छे नहीं होते। इसमें कैमरा भी आपको अच्छा मिल जाएगा और बैटरी तो आपको 3400 mAh की मिल ही रही है जो आपको आराम से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से देगा। अगर आप दोस्तों वीडियो ज्यादा प्लेबैक करते हैं तो 1 दिन तो आपका आराम से चल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। और लास्टली मैं आपको ये बता दूं कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ही है, इसके लिए इसका थम्स अप है दोस्तों मेरा, आप इसे ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको हमेशा मिल जाएगा जहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। रिकमेंडेड है दोस्तों आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको जो जो मैंने स्पेसिफिकेशन इसमें बताई है कि अगर आपको वो ठीक लगती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर आपको लेनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा 4GB वाला वेरियंट जो कि काफी मस्ट बाय है। 6GB वाला वेरिएंट इतना अच्छा नहीं है क्योंकि 4GB वाला वेरिएंट जो है वो हमें कुछ 14,000 रुपए का पड़ जाएगा और दूसरी ओर वहाँ 18,000 का पड़ेगा, यानी कि 13,999 का एक 17,999 रुपए का है। दोस्तों 1 रुपए में कुछ नहीं होता, इसलिए मैं राउंड फिगर बता दिया आपको। तो अगर आपको चाहिए आप 1399 वाला पक्का ले सकते हैं, लेकिन 18,000 वाले पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि 15,000 रुपए में काफी बेस्ट फोन मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप ज्यादा हाई में जा रहे हैं तो आप और फोन कंसिडर कर सकते हैं, काफी फ्लैगशिप फोन्स आते हैं जो 20,000 रुपए में। अगर आप 20,000 वाले फोन हमने देखने तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हो जिसमें आप देख सकते हैं 20,000 के अच्छे फोन। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल पे दोस्तों कमेंट भी कर दिया करो। कोई कमेंट आती नहीं है, कमेंट तो करो, बताओ कैसी लगती है वीडियो, क्या आपको फोन अच्छे लगते हैं, रिव्यू मैं देता हूँ अच्छे लगते हैं, क्या जो मैं न्यूज बता रहा हूँ वो अच्छी लग रही है, क्या मैं भौंकता हूँ कुत्ते की तरह,
कुछ समझ आता है आपको या नहीं आता, अगर आप चाहते हैं कुछ इम्प्रूव करूं तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और आपकी भी जो एक कीमती समय वीडियो देखने का वो इनहेंस हो सके। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अब तक हमने वीडियो मेरी देखी तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो डालो सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।